Hello everyone, welcome to Mumtaz Creation. Friends, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लटकन। आज बात करेंगे हम, देखिए इस लटकन के बारे में कि ये मैंने इजी वे में कैसे बनाया है। तो आइए फ्रेंड करते हैं शुरू। देखिए फ्रेंड, इसके लिए हमें चाहिए एक सर्कल में पीस और एक स्क्वायर में। ये देखिए, ये मैंने सर्कल अपने ही बैंगल उसके साइज का बनाया है और ये बनाया मैंने 3.5 इंच का। ये बनाया मैंने 3.5 इंच का, इस तरह की ये हम एक स्क्वायर पीस बना लेंगे। हमें जरूरत होगी हमें एक कॉटन की, तो हम ले लेंगे ये कॉटन और इस तरह से हम इसको एक बॉल शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा मोटा बनाना चाहें तो आप इसमें ज्यादा कॉटन ले सकते हैं, और थोड़ा छोटा बनाना चाहें तो आप इसमें थोड़ी और थोड़ी कम कॉटन ले सकते हैं। इस तरह से ये हमारी बॉल बन गई है। अब हमें सबसे पहले करना क्या है, ये वाली जो इसकी राउंड शेप में, इसमें हमें कच्चा करना है। इस तरह से हमें ये इतनी दूरी पे हमें ये कच्चा करना है। इस तरह से ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये हम ये बना लेंगे और इसमें रखेंगे हम कॉटन ये इस तरह से, और इसको इस तरह से इस धागे को खींचना है और इसमें थोड़ा सा छेद और रखना है हमें यहाँ पर, जिसमें हम लगाएंगे ये वाली डोरी। आप चाहें तो ये मैंने हाथ से बनाई हुई डोरी है, आप चाहें तो इसमें रेडीमेड डोरी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऐसे बीच में रखेंगे और तब हम इस धागे को खींचेंगे। और फिर इसको इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से टर्न करते हुए इस धागे को इसके ऊपर हम ऐसे करके लपेटेंगे ताकि ये हमें एक बॉल की शेप आ जाए इस तरह से। और फिर यहाँ पर आप एक दो टाके लगा दीजिए। ये देखिए, ये बन गई इस तरह से। ये हमारी बॉल इस डोरी में लगा दी। अब लगाएंगे हम ये स्क्वायर पीस, इसको हम इस तरह से करेंगे, ये ट्रायंगल बनाएंगे और इसको इस बॉल के ऊपर इस तरह से कवर करेंगे। और यहां पर लगाएंगे हम एक निशान, ये निशान मैंने क्यों लगाया है ये आपको आगे पता चलेगा। अब जब हम लगाएंगे इसमें यहाँ पर एक स्टिच, उसको लगाने से पहले ये हमें, ये देखिए ये आप इसमें ये इस तरह से शो हो रही है, ये बाहर है, बट ये आप ये देख रहे होंगे कि ये मैंने कवर कर दिया है, लेकिन जब हम इसको पलटेंगे तो ये इतना ही इसमें स्पेस इसमें भी बचेगा। तो आप इस बॉल को इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको कवर करेंगे। और यहां पर इस निशान को लगा देंगे जहां पे हमें वो स्टिच लेना है। और इस तरह से यहां पर लगाएंगे हम एक स्टिच। देखिए ये स्टिच लगा दिया है। अब इसको हम टर्न करेंगे, देखिए इस तरह से करके
इस वाले इसको इस तरह से हम टर्न कर इस डोरी को रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए, और अब यहाँ से यहाँ तक हम लगाएंगे एक सिलाई, यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, और अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कर देंगे हम कट। ये वाला जो है हमारा, इसको हम थोड़ा तिरछे में काटेंगे, वरना ये हमारे जब ये सीधा करेंगे तो ये तो जब हम ये सीधा करेंगे यहां से तो वरना ये दिखेगा, इसको हल्का सा यहां से तिरछे में काटिए। अब करेंगे आइए हम इसको सीधा। ये देखिए फ्रेंड, ये लटकन बनकर हमारी तैयार है। ये देखिए देखिए फ्रेंड, कितनी ब्यूटीफुल लटकन बनकर तैयार हुई है। आप जब भी चाहें इस लटकन को आप घर में ही इजीली बना सकती हैं, आपको मार्केट जाने की भी जरूरत नहीं है, और ये बिल्कुल फ्री में छोटे छोटे पीसों से हमने ये लटकन बनाकर तैयार कर लिए। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरी सभी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।